तो सब तो पहला मेरी बेनती है तलविंदर सिंह सोनू जंप ब्रह्म वाली है। इस सोग की लहर के सारे इकट्ठे हुए फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। संदीप बारे सारे तकरीबन जानते सी, कबड्डी करके सारे जानते सी, पर वो इंसान बड़ा वधिया सी। मैनू याद आ पहली बार जो कनेडा दे विच आया 2004 दे विच आया डिक्सी क्लब टोरंटो दे विच, ते मैं तो यह कट्ठे आए थे पहली बार। तो संदीप एक मेहनती इंसान सीगा, उन्हें मेरे एक याद सांझी की, कहिंदा मैं जदों कबड्डी खेडनी शुरू की ना, तो खेडद खेडद किसी ना तकरार हो गया किसी प्लेयर के नाल, वैसे जिदा आप आम टूरनामेंटों के कबड्डी प्लेयर हो जाता। तो उन्हें कहा भी उदू नवा सीगा, कहिंदा मैं नवा सीगा, तो मेरे आर्गूमेंट के नाल कहिंदा उन्हें मेरे कितने तफा मार दिता, अजय मैं कहिंदा नवा सी, वह प्लेयर की पूरी चढ़ाई सी। तो कहिंदा मैं जो मेहनत करता सी ना टूरनामेंट जो मैच खेड के, कहिंदा बाद विच मैं गया तो कहिंदा जाके मैं मेहनत करता सी, तो मैं 200 डंड आप मारता सी, 100 डंड मैं उहदे नाल दा मारता सी कि मैं उहदे नालों तगड़ा बनना, उहनू मैं फड़ना। मेरा दसन का मतलब यह है कि वह इन्ना मेहनती इंसान सीगा, उन्हें कबड्डी लिए भी बहुत कुछ किया। हुण तक वैनकूवर क्लब की वो रीढ़ की हड्डी सीगा, हर एक प्लेयर जिहड़ा है वह सौखा नहीं बनता, कोई भी है चाहे किदां भी है, प्लेयर बनना कोई सौखी गल नहीं। हुण ग्राउंडां विच तुसीं कपड़े इस ग्राउंड दे नाल बड़ियां यादां जुड़ियां ने, संदीप दीआं यादां जुड़ियां ने, इत्थे बड़े प्लेयर बड़े प्लेयर आए बड़े ने चले जाणा, पर चंगे इंसान होना हर एक दे वस दी गल नहीं। सो असी सारे कबड्डी प्लेयर उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेंट करदे हां, ते कबड्डी प्रमोटरां नूं ते एक मैं अपील करदा बेनती करदा उन्हां सारिआं नूं कि आपां हर विशे दे उप्पर आपां एक सारे इकट्ठे हो जाने, सारी वर्ल्ड एक मीटिंग आप रख लें सारे जने, जां किसी प्लेयर के प्रति होंगी है जां कोई भी काम आप करना होंगे, इंग्लैंड की फेडरेशन आप सद लें जां अमेरिका की फेडरेशन सद लें, इस विषय के उपर भी सारे एक मीटिंग रखो जो इंडिया की गवर्नमेंट तो कर ही रही है, पर साडा भरा साडा छोटा या वड्डा वीर सारिया का वो चला गया, उन्हों इंसाफ दे लई कुछ आप कर सकी अपने लिए यही उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि है। और सारिआं नूं मैं इत्थे सारिआं दा धन्नवाद करदा जिन्ने भी कबड्डी दे नाल जुड़े ने, जिन्ने मेरे वीर आए ने, उन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद आ। ते सिर्फ आपां इह नहीं कि आपां कैंडल मार्च करके इत्थे कल्ला इत्थों जा के ते मुड़ के आपां भुल जाईए, एक मेरी हथ जोड़ के बेनती है कि सारे ही साथ दिओ, फेडरेशन भी साथ देवे, फेडरेशन दे नाल भी प्लेयर भी जिन्ने कोच साहिबान कमेंटर सारे, ब्लेम करन दी बजाय आपां सारिआं दा साथ दईए कि उहनूं इंसाफ मिल सके। इन्हें शब्दों ना मैं कहता सारा धन्यवाद करता, सारे वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी फतेह। मैं संदीप विरा काफ़ी लंबा टाइम कबड्डी खेली है, संदीप पहला जो शुरुआत की साड़ी महाराजा रणजीत सिंह क्लब खेलता रहा, काफ़ी टाइम अभी कट्ठे खेले यानी कि 2-3 साल, मुड़ के इतने मैं हरजी क्लब खेलता सी उहदे विच भी असी काफ़ी टाइम इकट्ठा खेले, बहुत वधिया इंसान सी, वधिया वधिया सोच सी भी असी काफ़ी टाइम सॉरी। तो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज सारे आपां संदीप नूं सच्ची श्रद्धांजलि देण लई इकट्ठे होए हां। संदीप नूं याद करन लई असीं सारे इकट्ठे होए हां। जिहड़े संदीप दे जाण दा घाटा उह कदी पूरा नहीं होणा, ना उहदी फैमिली नूं, ना उहदी कबड्डी नूं, ना उहदे परिवार नूं, इह घाटा सदियां तक पूरा नहीं होणा। बहुत गल्लां बहुत करन वालियां, बहुत दुखी मन इह गल कह रहे हां वी संदीप साडे विच नहीं रिहा। जदों पता लगा इस गल दा सच नहीं आया कि संदीप नंगा गिआ नहीं रहा। बहुत यादा जुड़िया, बहुत साल असी कट्ठे कबड्डी खेडे, वैनकूवर कबड्डी क्लब लिए, फिर बेरिया लिए, जो वर्ल्ड कितने भी असी कबड्डी खेलते सी, सारा कुछ संदीप करता सी।
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਲਾ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੇ ਮਹਿਮਦਾਲੀਏ 'ਤੇ ਚੱਲੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਪਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਦਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਆਪ ਆ, ਕੋਈ ਤੀਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਿਆਨ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਨ ਧਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੱਪੂ ਝੂਠ ਚੱਕੀਆ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਅਤੇ ਗੜਵਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਧੀਰਾ ਭਾਅ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕੋਟ ਕੰਗੂਰਾ ਨਾਲ ਖੜਾਇਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ। ਉਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੱਪ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਗੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਾਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕੋਕ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਕਰਨੇ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਨਿੱਘਾ ਸੁਭਾਅ, ਹਰੇਕ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰੂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਕਹਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
टूरनामेंटा तक ही सीमित हूँ बहर जाके एक दूजे रंजिशा ना कटो जे किसी का हैगा बैठ के तुम गल कर सकते हैं भी ना कि किसी का कतल कर दिता जाए छोटे छोटे बच्चे परिवार होर सारे संबंधित किन्ने हुण दुखी होणगे असीं तां हैगे ही हैं क्योंकि साडा होनहार हीरा जिहड़ा ऑलवेज साडे नाल तत्पर रहिंदा सी हुण दुनिया दे विच नहीं हैगा सो बैनकोर कबड्डी क्लब एज ए कोच एज ए तुहाडा भरा बे सच्ची संधाजली यही है भी आने वाले समय के इदा का किसी से भी माड़ा समा ना आए थोड़ा सारे का इतने पुजन से मैं तो साढ़े परिवार वालों साड़ी फैडरेशन वालों तो साड़ी क्लब वालों बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं संदीप बारे इन्ना की दसना चाहना भी वधिया इंसान सी कबड्डी लई उहदे दिल च बहुत वड्डा पैशन सी कबड्डी नूं बहुत प्यार करदा सी पहला तो वह प्लेयर सी हुण वह प्लेयर के नाल नाल ऑर्गनाइजर बड़ा वधिया बन गया सी हुण तुसीं देख लो मेजर लीग बंदे ने कित्थों कित्थे लै आंदी किड्डी उहदी सोच सी ते वह कबड्डी नूं एक नैक्सट लैवल दे लैके जाणा चाहुंदा सी जिहड़ी कि उहदी मौत नाल बहुत थले चली गई ते इन्नी माड़ी गल हुई है ये जिहदा दुख कोई नहीं रह बोलण नूं कुछ नहीं रह गया कोल ते सानूं सारिआं नूं पता भी की हो रिहा की नहीं हो रिहा जिद्दां गुरप्रीत भाजी ने कहा ना प्लीज़ बोलो जरूर बोलो जिन्ना जिन्ना किसी को पता ना वो जरूर बोलो जे तुसी सच्ची कबड्डी नूं सही राह ते लैके आना चाहते हैं कबड्डी नूं चाहते हैं भी ये प्रमोट होवे वधिया हत्थां ते जावे माड़े बंदियां नूं कढो इहदे चों चंगे बंदे साइड ते ना हो क्योंकि जदों कोई माड़ी गल हुंदी है कोई हैपन हुंदा जिहड़े चंगे बंदे उह साइड ते होई जांदे कबड्डी चों भी नहीं यार गंद है गंद है गंद नूं कढूगा कौन तुसी कढूंगे जे चंगा बंदा आऊगा बिच फिर ही माड़े निकल गए नहीं माड़ा तो बैठा वह कहना भी ये पासे होण गंदे तो असी चंगे बंदे साइड से हो असी लईए तां करके कबड्डी सारा कुछ हो रहा संदीप की सोच में जे जिंदा रखना है टूरनामेंट कराओ उहदी जांच कराओ जे टूरनामेंट होणगे तां संदीप का नाम बोलूगा सारे ने घर जाके बैठ जाना टूरनामेंट नहीं कराने संदीप का नाम कौन बोलूगा संदीप का नाम उदों ही बोलूगा जदों कबड्डी टूरनामेंट होगा उहदी सोच ते पहरा दो उहदी जो मतलब जिन्नी उहदी थिंकिंग सी उहदी अपने नाल बहुत ज़्यादा थिंकिंग अगे सी तां ही वह इस लैवल ते पहुंचे क्योंकि मोस्टली प्लेयर का की हुंदा प्लेयर खेडदा है ते अपना साइड ते होके बह जांदा है। मैं बहुत प्लेयर नूं कहा अपने नूं भी तुसीं विच आओ कबड्डी दे बहुत ज़्यादा प्लेयर नूं जे प्लेयर विच आउणगे उह सही सलाह देणगे गलत नूं रोकणगे जे प्लेयर खेड के साडा इह फर्ज थोड़ी आ भी असीं पैसे बना ले असीं सैट हो गए तो हुण पासे हो जाइए फिर कबड्डी दे विच आऊगा कौन जे प्लेयर आउणगे जिहदे कोल एक्सपीरियंस है उही बंदा कबड्डी नूं बैटर करूगा किसी भी काम च जिहदे कोल एक्सपीरियंस है उही उहनूं बैटर कर सकदा 95 च वर्ल्ड कप होया तुसीं देखो BC स्टेडियम च किन्ना लोकां ने उत्थे मतलब भंगड़े पाए किड्डा कट्ठ ते हुण मुड़ के सिरी नूं आ गई ते इत्थे 4-5 हज़ार दा कट्ठ हुंदा ते पैसा अपनी कम्यूनिटी कोल हुण किन्ना आ गया ते कबड्डी दा थल्ले आ गई ना कसूर कीदा ऑर्गनाइज़रां दा निज नूं पासे रख के कबड्डी की बेहतरी लई करो कुछ यही संदीप नूं सच्ची श्रद्धांजलि होगी बहुत ज़्यादा दुख होया आ सारे ने दस्या ही है ते हुण दस्सणगे भी बाई सारे अपने प्लेयर भी किन्ना उहदा प्यार सी ते इंसान बहुत वधिया सी सो प्लीज़ इकट्ठे हो के निज नूं पासे रख के कबड्डी की बेहतरी लई जे कुछ करना है तो आ टाइम है उहदी कुरबानी नूं अजाई ना जाण दिओ होर साडे कोल संदीप है नहीं खोण नूं जे अज एक संदीप हो गया ये ना हो भी कल किसी होर की वारी आ जाए मेरी राय किसी की राय आती है सो वो चीज़ ना हो इस चीज़ को रोकने लिए बोलना पैना प्लीज़ बोलो गल करो सो मैं तो इन्ना ही कहना भी प्लीज़ सारे इकट्ठे होके संदीप की सोच में कायम रखो टूरनामेंट कराओ तो वधिया हैल्थी कबड्डी दो। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं जिन्या भी अपने लोअर मेनलैंड तो संगत इतने पुजिया मैं बहुत बहुत देरीणी हाँ सारिया का जिन्हों ने आके यह एक शब्दा के फुल संदीप नंगलंबिया भेट किए तो संदीप एक प्लेयर नहीं सगा वो जिदा कह लो बी एक इंसान प्लेयर तो पहला इंसान बहुत वधिया से जिहड़ी उहदे विच इंसानियत सीगी वो भर भर के भरी हुई सी जिदा
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖੀ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟਵਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੈਨਕੋਰ ਕਲੱਬ ਲਈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਗਾਹਾਂ ਵਧੂ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਤਾਲ ਜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਦੀਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਦੀਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੈਚ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੂੰ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲੇਅਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ। ਕਬੱਡੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੂੰਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਮਨਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਗੁੱਡ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਬੱਡੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਲੀਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੁਛ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਬ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ
इंसान बनना बहुत मुश्किल गल है। बाकी मेरे वालों तो मेरे सारे भरावां परिवार वालों असी यही श्रद्धांजलि होगी कि जे असी एकमुठ हो के तो इस नूं इस काम के लिए बीड़ा चुकीए तो सारे एक होके इस उत्ते पहरा देिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह जी। सो अज आप इतने एकत्र हुए हैं बड़ा मुकाम वाला दिन है ये कि अपने वीर एक जड़ा 18-20 साल मेहनत करके तैयार होंदा है उदू बाद दे विच उहदा अंजाम की होंदा है। सो आपां नूं सोचण दी लोड़ है इस टाइम कि यह होया क्यों ते यह होना नहीं सी चाहिदा। बहुत मंदभागी घटना आ। वीर एक संस्था सीगा ते वीर ने बड़ी लंबी कबड्डी खेड के उस मुकाम तक पहुँचा तो उस तो बाद अंजाम होया। एक बंदा जिहदे आले दुआले 20-25 बंदे आ स्पोर्ट्समैन उहदे नाल इह घटना वापर सकदी आम बंदा की होगा। अभी सेफ नहीं गए क्योंकि पहला भी 2000 घटना हो चुकी हैं उदों थोड़ा जे आपां लै लैंदे इहनूं हैवी लै लैंदे तो हो सकता कि अज इह काम ना हुंदा। हरेक ने लाइट लै लिया चलो कोई ना उहदा अपना इशू होना परसनल इशू होना है। एक चीज़ मैनूं दसण सारे प्रमोटर सारे प्लेयर के कबड्डी स्टैंड कित्थे आ कितने स्टैंड आ। यूनिवर्सिटी के अमृतसर के पिछले 6 साल तो कबड्डी नहीं हुई। आप कह दें अरबों का पैसा लगता कबड्डी में। वो वीर की मैं सोच तो निम्र रख रहा वा कोई ये ना सोचे कि टॉपिक कितने लै गया। नहीं सारे ने बोलिया कि वीर कबड्डी को अगे लैके जाना चाहता सगा। हरेक ने शरदा के फुल भेट किए सारे ने बारे दस दिता ऑलरेडी बहुत बोल चुके सारे वधिया सारे ने दस दिता कि किदा का इंसान से बहुत वधिया इंसान सगा। पर सोच की सी कबड्डी नैक्सट लैवल किदा लैके जाना सगा। आप कोई भी जॉब अपलाई करते हैं अपन लोग पूछते एक्सपीरियंस तुहाडे कोल सर्टिफिकेट की आ साडे कोल की सर्टिफिकेट आ कि कबड्डी खेडदे आ कोई है कहे प्लेयर कोल सवाए दे कि अहीं पिंडां दे विच मैच खेडदे आ। उस तों इलावा ना तो अहीं यूनिवर्सिटी खेडदे आ पिछले 6 साल तो ना स्टेट लैवल ना इंटरवर्सिटी ना एशिया ना कंट्री नूं रीप्रजेंट करदे आ ना वर्ल्ड कप होया। वर्ल्ड कप जिहड़ा होया उह च कोई मानता है नहीं जी। जिन्ने पंजाब सरकार ने वर्ल्ड कप कराया वह जो अं दसते हैं ना किसी वो कहें कि कोई वैल्यू नहीं कि पिछे जे 4-5 प्लेयर ने जॉब अपलाई करनी सी। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कबड्डी वाले अपने नाम दो उन्होंने 3-4 प्लेयर मैं जानता वर्ल्ड कप खेडे थे तो उन्होंने सीधा कहा स्पोर्ट्स जेडे पंजाब की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने वो कहें कि असी इन चीज़ों मानता नहीं देंगे जेडे वर्ल्ड कप तो खेडे हैं। वो वर्ल्ड कप सिर्फ एक पिंड जिले एक सिर्फ पार्टी ने अपने आप को स्टैबलिश करना सीगा लोगों के यूज किया गया बस उसका सर्टिफिकेट कोई मैंने रख कहने का मतलब यह कि खड़े कितने हैं कबड्डी की वैल्यू की है। सिर्फ इन्ना वा कि पैसा बनता है प्लेयर नू प्लेयर बाद अपना सर्वाइव करता बस दैट्स इट। किन्नियां क्लबां आ इत्थे वैनकूवर दे विच ते किन्नियां क्लबां पूरे नॉर्थ अमेरिका दे विच जिन्हां दे विच पुराने प्लेयर कोच आ दस दो। कई बंदियां दे पैक लगा हुंदा वा तो टीम नू कोच कर रहा हुंदा। सोचण दी लोड़ आ कह दिता सारे ने कि क्यों होया क्यों होया क्यों होया इस करके होया कि चुप आ। जे मेरे वर्गा बोलदा आ पहला फंक्शन रख लेंदे आ ड्रग दे उत्ते। जे मेरे वर्गा बोलदा आ पहला कमेटी च लै के बोलण तो बाद 5 मिंट बाद कहिंदे परे करो यार तो बोलदा बहुत है इहदे कोलों पंगा पाऊ। मेरे ना खुद हो टी आ फैडरेशन ने पहला मेरा नाम अनाउंस करके बाद 5 मिंटा बाद लिस्ट बाहर किया हो मैं कोई दुख नहीं वो चीज़ का। मैं यहोजी कमेटी कोई नहीं लेना क्योंकि मैं अपने दम से ना बनाया। मैं तेरे सामने शो ऑफ नहीं करना चाहता है मैं सिर्फ इन्नी गल कहना चाहना हाँ कि तुसी कंट्रोल ना करो इनू ओपन करो इन जिन्ना तुसी नपोगे कंट्रोल करो कबड्डी प्रमोटर जिन्हें भी हैं उन्होंने कंट्रोल ना करो उन्होंने नपो ना हरेक चीज़ में तुसी की करते हो बस ओके ओके छड्डो लीव इट अज इस मुकाम से पहुँच गए छड्डो करके। इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर ग्राउंड के बिच आ गए ये नहीं कोई रात बराते कि नेरे किसी ने गोली मारती चलो कोई कहता जी लुट खो होगी नहीं कोल खड़ के गोलियां मार के गए 4 बंदे वो भी आम बंदे नहीं एक ऑर्गेनाइजर सीगा लीग का प्रधान सीगा फेडरेशन का
आम प्लेयर की की सिक्योरिटी उत्थे जे असी अपने पैरों पर होवांगे कोई संस्था होगी कि सानू पता होगा हुण 13 प्लेयर जॉब मिली अज तक सिर्फ 13 प्लेयर वर्ल्ड कप खेडन जिन्हें पिछले 4 वर्ल्ड कप हो कहते अस जान दी तुहानू ना साड़ी एक सिर्फ एको टीम है वो दे विच प्लेयर हुए है भर्ती उस तो बाद कोई भर्ती नहीं खुली कुछ नहीं ये सिर्फ वो सोच न मैं बोल रहा कोई ये ना सोचे कि मैं टॉपिक तो बाहर जा रहा वहाँ क्योंकि नॉर्मल साढ़िया गल् खेडे ही विरोधी एक दूजे अभी सिर्फ 2 टूरनामेंट खेडे कट्ठे एक खेडे से न्यूयॉर्क एक खेडे फ्रिजनो उस अलावा अभी किटे ऑपरेट हैं पर खेड का ऑपरेट का मतलब यह नहीं कि साड़ी सोच ऑपरेट थी सोच साड़ी कबड्डी अगे लैके जाने की थी सो शरदा के फुल ता ही भेट हो गए 2 काम हो गए एक तो कबड्डी के बच्चों मैं ना बहुत बंद इतने कई बंदे खड़े जिन्हें मैं जे कहते कि अं कंट्रोल करते कबड्डी जे अं ना रहे तो कबड्डी होनी नहीं ना ये भुलियो ताड़ तो पहला बहुत आए बहुत बाद चाहते हैं सेवा करो कबड्डी की सेवा करो बस तुम कबड्डी तो वड्डे नहीं गए कबड्डी ताड़ तो बहुत 100 साल पहला चलती आई है तो बहुत 1000 साल बाद चलनी है मैं छड़ के एक हो जाओ कुछ नेकन वाला जड़ियाँ तुम बखरू वखरे बखरे में पा के बैठे हैं उन्हों छड़ दो मैं पहला तो एक होवो फिर इंसाफ के लिए आवाज इकट्ठे हो के चुको कि जेडी ये बरीकी ना जांच हो नहीं कि ना लैता वह लैता वह लैता ना इस केस की बरीकी ना जांच होगी जब तक बंदे का पता लगेगा बंदे नू सज़ा मिलेगी उदू बाद खौफ पैदा होगा कि जे अं किसी प्लेयर हाथ पाने तो साढ़े ना यही असर होना वा जो फलाने बंदा होया जिन्होंने पहला वो इदा की थी जिन्होंने संदीप नाम इदा किया कतल किया उन्होंने सज़ा मिलेगी तो आने वाले टाइम के जे कोई सू हाथ पाऊगा कोई फोन करेगा तो 100 वारी सोच करेगा कि फलाने प्लेयर फोन कर लगे हैं तो साडा की हश होगा मैं बहुता नहीं बोलना चाहता क्योंकि प्ले ऑलरेडी सारा ने बोल दिता है जी जरूरी चीज़ा है उन्होंने बारे बोलिया जो करना चाहिए फेडरेशन एक करो पहला तो पीसी के बोलने कुछ नहीं होना करना होना वा जे पुराने प्लेयर है उन्होंने रिस्पैक्ट करो उन्होंने कोच जां अपने नाल प्रबंध के रखो टीमों के नवे प्लेयर गाइड कर कि भाई आह चीज़ माड़ी आ आह चीज़ चंगी आ इस चीज़ तो बचो क्योंकि पुराने प्लेयर का प्रभाव वध पैंदा वा प्रमोटर का प्रभाव उन्ना प्लेयर से नहीं पैंदा क्योंकि वो जाणू नहीं होंदे एक दूजे के प्लेयर वो खेडते देखते रहेंगे उन्होंने प्रभाव वध पैंदा है माड़ी चंगी चीज़ को रोकते हैं जिवें कि हुण जस्सी बोल गया हुणे कहिंदा कि संदीप ने मैं ऑपोजिट सीगा पर संदीप ने मैनूं फिर भी कहा कि तू भलवान नवा आया कबड्डी जी माड़ी चीज़ नहीं खानी क्यों एक स्पोर्ट्समैन ही वधिया सलाह दे सकदा आ सो इस नूं ऑर्गेनाइज करो वधिया तरीके नाल ये शरदा के फुल यह भेट आ कि एक तो बरीकी ने जांच होनी चाहिए है जोर मारो सारे एकजुट हो गए तो दूसरा कबड्डी ऑर्गेनाइज करना है कहे वधिया तरीके ना करो इदा नहीं कि सीजन हो गया सीजन तो बाद सब खत्म तो लोकल प्लेयर जो लोकल बच्चे उन्होंने सामभ लो जरूरी बेनती है उन्होंने बच बहुत बच्चे आ जिन्हें मेरा कॉन्टैक्ट हों इतने टूरनामेंट कराए थे प्रधान साहब से हरदीप सिंह निज्जर साहब ते रघबीर भाजी इतने मैच कराए थे तो 4 टीमें बनिया थी जो सीजन शुरू होया तो सानू कह टीम ने कोई सदा पत्र नहीं दिता कि तुम आके मैच खेडो वो बच्चे मैंने रोज़ फोन करेंगे भाई आप खेडना मैं क्या जो टाइम दे देंगे आप खेल लगे भरा रिक्वेस्ट करके ही खेडने टूरनामेंटा के सो अपने अंदर झात मारन की लड़ है अपने अंदर झात मारो बाहर नहीं अपने अंदर पहले झात मारीे फिर सारा कुछ लैन पर आना है सो मैं वीर शरदा के फुल यही भेट करने हैं कि कबड्डी सुधार करो यही शरदा के फुल है कबड्डी सुधार लियाओ सो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हें ही आए हो सारे का बहुत खास करके मेरी भैन मातावं आई हैं टूरनामेंट तो यहोजा प्रबंध करो कि टूरनामेंट तो लिया फुल्लड़बाजी बंद होर गेम है सारिया UFC होंगी आ व्डिया व्डिया गेम होंगे हरेक थान से लेडीज आदि हाडी कबड्डी क्यों नहीं आदि सोच की गल है सोचो जरूर बेनती आ गुरद्वारा साहब खड़े हैं जिन्हें कु वादे इतने करके जाने होंगे उन्होंने खरे उतरिया करो पहले एक बार प्रोमिस सारे ने बहुत किए थे गुरद्वारा साहब के फेडरेशन ने की थी उस मुकरण हो सो बेनती यही है कि शरदा के फुल भेंट करने सच में अपने अंदरों बाहर कढ़ने की कोशिश करो उसे पैरा दो वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु श्री वाहगुरु जी का खालसा श्री वाहगुरु जी की फतेह।
भाई संदीप की गल कर, संदीप जो बहुत वधिया प्लेयर भी सीगा, एक वधिया इंसान भी सीगा। संदीप एक कबड्डी खेलता नहीं सी, नाल खड़ाउंदा भी सीगा। जिस दिन मैं उस दिन इंग्लैंड से जिदा हैपन होया 14 तरीक नूं, 15 तरीक नूं मैं इत्थे नूं आउणा सीगा, ते संदीप का सारा परिवार इंग्लैंड उत्थे एयरपोर्ट ते मिलिया, उहदी मम्मी ब्रदर ते, पर उहदा देखिया नहीं सीगा भाई। जो संदीप ने कबड्डी ने किया वो होर कोई इंसान नहीं कर सकता भाई। संदीप नूं असीं सच्ची संदा जी पेश करते हैं, पर जो अजकल कबड्डी चल रहा वो प्लेयर का कोई कसूर नहीं, साडा कसूर आ, साडे प्रमोटर का कसूर आ। जे प्रमोटर जे जो गैंगवार हो रही आ, जे अज तो पहला पिछले आप जाइए दुल्ले ते गोली चली जा, अपने बागी ते चली सी, जोते ते चली, पर कसूर साडा सी उदों क्यों नहीं उठे? जे असी उदों सारा इदां उठते, साडा गाडर वर्गा भरा च नहीं जाना सका इस दुनिया तो। पर सानू असी उस इंसाफ लई अपने आप कनेडा च जो भी गवर्नमेंट आप कर सकते पटीशन सैन जा अपने इंग्लैंड भी वो सारे करिए कि साडे भरा नूं उहदे छोटे छोटे बच्चों नूं ते उहदे फैमिली नूं इंसाफ मिल सके। पर जिहड़ी आपां तुसीं आह अपने ड्रग बारे जां करदे आ गल्लां करदे आ, इहदे विच साडा कोई कसूर नहीं, ना कोई प्लेयरां दा आ, ये बिच जिहड़े प्रमोटर आ प्रमोटरां ने बिच बाड़ी आ। जां आपां हुण लौंसरां साहिब छड्डी जांदे आ, लौंसरां नूं जो प्रमोटर लै के दिंदे लौंसरां ने तां उही गल कहनी आ, पर इस लौंसरां दा कोई कसूर नहीं, पर साडा अपना कसूर आ, असीं अपने आप नूं सुधारिए। तां पर जो आ घटना वापरी है पिछले दिन, ये घटना किसी होर वीर ते मेरे होर भरा ते ना वापरे, असी अपनी कबड्डी नूं एक तुसीं आपां कहिंदे कबड्डी दे विच वी आपां बंद टूरनामेंट बंद करो, टूरनामेंट बंद नहीं होने चाहिए। ये संदीप वीर नूं सच्ची श्रद्धांजलि आ कि टूरनामेंट होने चाहिए आ। बाकी जे टूरनामेंट बंद कर दिंदे आ विरोधियों दे होना भी संदीप मार के असी कबड्डी बंद कर दिती आ, पर इस विच सारे आपां सहयोग देईए अते टूरनामेंट कराइए। सानू इस संदीप नूं सानू सच्ची दिलों श्रद्धांजलि आ, वाहिगुरू नूं अपने चरणां च निवास रखदे ते भावें परिवार नूं भाणा मंगला रखदे। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं जिन्हें भी इत्थे पहुँचे आ संदीप की याद विच, सारिआं नूं तहि दिलों धन्नवाद करदे आ। वह बंदा इहो जिहा सी, वह जिहड़ी मेजर लीग बनी सी वो सिर्फ इस करके बनी सी कि असी कबड्डी विच ड्रग दूर कर सकीए, उहदा बहुत वधिया चक्किआ कदम सी। ते वह बंदे ने ड्रग दूर करते करते अपनी जान गवा बैठा। हुण आपां जिन्हें भी प्रमोटर इत्थे क्लब वाले आ, आपां नूं चाहीदा कि उस बंदे सोच ते पहरा देना चाहीदा, ते फिर ही सच्चा सच्चे होवांगे आपां कबड्डी आस्ती। जिन्नियां भी क्लबां वा, जिन्ने भी प्यार करदे उहनूं, असीं ते इहो इक्को अरदास करदे हां कि वह परमात्मा की आत्मा नूं शांति बख्शे। क्योंकि मैं पहली बार बोल रहा इदां मैक ते, बाकी तुसीं सब जाणदे संदीप दा किदां दा नेचर सी, ते वह बंदे ने अपनी जान गवाई आ सिर्फ कबड्डी का करके। आपां नूं वी हुण चाहीदा कि कबड्डी आस्ती कोई करना चाहीदा। बस इन्ना कहिंदा कहिंदा तहि दिल धन्नवाद करदा जिन्ने भी आए आ, बहुत बहुत धन्नवाद। सत श्री अकाल जी सर। थैंक यू। जिन्हें भी कबड्डी प्रेमी आए आ ते होर भी जिहड़े संदीप नूं जां कबड्डी नूं पसंद करदे, ते उहनां दा उहदे जाण दा दुख आ सारिआं नूं, उहनां दा सारिआं दा सिर मत्थे ते धन्नवाद करदा इत्थे आ। ते बाकी स्पैशल साडियां मातावां ते भैणां आईआं आ, पहली वारी इदां कबड्डी दी ग्राउंड ते नहीं आउंदियां साडियां भैणां इत्थे आईआं, तुहाडा वी बहुत बहुत धन्नवाद इत्थे आउण दा। ते जिन्हां नूं संदीप दे जाण दा दुख आ, मैं बड़ा कुछ संदीप दे बारे तां नहीं बोलूँगा क्योंकि सारे बोल चुके, आपां नूं सारिआं नूं पता है कितना वधिया इंसान सी उह ते कितनी वधिया दी सोच सी। मैं कुछ बोलना चाहुंदा वी आपां नूं गांह की करना चाहीदा, ते जो हो रिहा वी अपने सामने आ। इहदे विच कई चीज़ां जिहड़ा जिहड़ियां आ इह सारिआं लिंक हो रहीआं गैंगवार दे नाल। गैंगवार नूं कबड्डी च वाड़िआ किन्हां ने, उह वी आपां ही वाड़िआ जिहड़े प्रमोटर आ ते प्लेयर आ। प्लेयरां दा प्रमोटरां दा वध उहदे च हिस्सा आ जिन्हां ने गैंगवार नूं कबड्डी च वाड़िआ। मैं खुद कह रहा मेरे नाल भी होया 2018-19 विच 3-way 4-way ला ला के फोन विच्चे ही प्लेयर ते प्रमोटर धमकियां दिंदे इक जित्तण वाली टीम नूं जां इक हारन वाली नूं, जां प्लेयरां नूं किद्दां रोकणा सारा कुछ।
ये जो चल रहा इस वे चल रहा चलता आ चल भी रहा है। ये जेडे आम बंदे कबड्डी प्यार करते उन्हों का नहीं कसूर, जेडे कबड्डी के बैच आ उन्होंने यू प्रमोट किया, प्रमोटर भी तो प्लेयर भी। मैं किसी का ना ही लैन नहीं चाहता, मैं गल करना आपू करना की चाहिए आ। जिदा हम संदीप साडा भरा इंग्लैंड का सिटीजन सगा, कुछ बंद आए हो सकता इंग्लैंड के, मैं भी पता लगा कुछ बंद ने उत्तर डिप्लोमैटिक तौर पर कंप्लेन की। एक तो होंगी अपनी स्टेट लैवल से उत्थे इनवैसटीगेशन, एक का कंट्री लैवल से हो सकती जो आप उन्होंने आप अपने डिवलपमेंट तौर पर जिदा डिवलपमेंट तौर पर कंप्लेन कर इंग्लैंड वाले, वो सारे इंग्लैंड वाले प्रमोटर तो उन्हें फैमिली को ना लेके कंप्लेन कराई जाए, तो डिप्लोमैट तौर पर कंप्लेन हो। सेंटर की सरकार भी वो इनवॉल्व होगी, सारे वक्त करूगी, तो हो सकता इंडिया सरकार को इतों बंदे ले जाने बहुत औखे हो सकते, पर इंग्लैंड की सरकार को इतों बंदे ले जाने सौखे आ। इंग्लैंड की सरकार इतने आके जिन्हों बंद ना आए उन्होंने ले जा सकती, इनवैसटीगेशन कर सकती, पूछताछ कर सकती है। वो असी जिन्ने भी इंग्लैंड फेडरेशन या कबड्डी प्रमोटर आ उन्होंने असी रिक्वेस्ट करते हैं सारे जने इकट्ठे होके चाहे साइन करा के कुछ ना कोई पटीशन तैयार करके उत्थी सरकार नूं दित्ती जाए, फिर इंग्लैंड फिर इंडिया की गवर्नमेंट भी भेजी जाए। तो जे साडी लोड़ आ कुछ असी भी इत्थों सारे इकट्ठे होकर इत्थे ही सरकार ते प्रेशर पावांगे भी जिहड़े जिन जिहड़े मुजरम आ जिन्हां दे नाम आउंदे आ उन्हां नूं इंग्लैंड की पुलिस दे हवाले किया जाए जे उन्हां दी मंग होवे तां। इह आपां नूं सारिआं नूं रल मिल के करना चाहिए। बाकी इंग्लैंड की फेडरेशन का जिहड़ा जिहड़ा भी लिंक आ जां होर इंग्लैंड के बंदे आ, कई वारी परिवार नूं परिवार का बहुत दुख हुंदा, उन्होंने इन्नी नॉलेज नहीं हुंदी जां उन्होंने नहीं सोचता, आपां सारिआं नूं रल मिल के उन्हां नाल करके एकजुट हो के इहनूं गांह तोरीए, इह अज दे दिन तों बाद खत्म ना हो जाए सारा कुछ। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे ही वीरां दे विचार सुने, बहुत दुख की घड़ी विच असीं इत्थे इकट्ठे होए हाँ, कुछ भैणां साडीआं इत्थे खड़ियां। जे मैं अपने पिछोकड़ की गल करा, मेरे परिवार के विच कोई भी बच्चा कोई होर गेम नहीं खेलता, सारे ही कबड्डी खेलते हैं। मेरा छोटा वीर जिन्हू मैं गोदी चुक के जिहदी गुट्टी आप करती रही, भावें अज उन्हूं पहाड़ सिंह कहिंदे आ, मंगा मिठापुरिया कहिंदे आ, पर जदों खेडण जांदा सी मैं थोड़ा होर पिछे जांदी आ, पोला रंधावा, इंदरजीत खब्बू, सुखा पंडाल, मंगा मिठापुरिया, बुद्धू पलवान, ते मेरे तो मेरा वड्डा भरा राणा बलजीत, उहदा काम की हुंदा सी, उन्हें कबड्डी तो खेलनी छोटिया ने, तो उन्हें सारा दिन ग्राउंड च ठीकरी पैरा उन्होंने उत्ते रखना, अपनी निगरानी च रखना। तो मेरी माँ ने इन्हां मुल्कां च भी असी आ गए, मेरी माँ ने डरदी ने कदे पिछे फोन ना करना, उन्हें मैनू कहना, क्योंकि वड्डे भरा तो छोटी मैं सी, मेरा थोड़ा डर सी बच्चों नूं, कहना तू फोन करके देख कितें उत्थे लड़ाई तो नहीं हो गई, सारा कुछ ठीक ठाक आ, कितें सट तो नहीं लग गई। जदों कबड्डी की गल करते हैं ना, मैं छे महीने खुद अपने छोटे वीर नूं कदे गोडा निकल गया, कदे गिट्टा निकल गया, कदे मोढ़ा खिच हो गया, तो जदों एडा दे जवान पुत्तां नूं मावां मंजे ते रोटी फड़ाउंदियां सेवा करदियां, तो कोई कबड्डी का कमेंटेटर ला लो जो प्रमोटर ला लो ज क्लबा ला लो, तो कोई पिछे पुछण नहीं आता, वो सारा खर्चा परिवार चुकते हैं। ये इंश्योरेंस इन्हों की होनी चाहिए आ, बेशक इन्होंने मुल्कों असी आ गए हाँ, अपन इंश्योरेंस असी आप लेंदे हाँ, पर फेडरेशन दिया भी जिम्मेवारियां होंदिया। जदों कबड्डी खेतों खलियाणा च खेलते सी ना, इनाम भी होंदा सी, घे का पीपा, मोटरसाइकिल, भांडे, बड़ी सारी ट्रॉफी, तो मेरे पिछे पंजाब मिठापुर बहुत ट्रॉफियाँ एक बड़ी सारी एक पूरे रूम के सजाइया, बड़ा माणना सिर भी उच्चा होंदा कि साढ़े वीर खेलते हैं, पर जदों ग्राउंड उतरते तो दिल भी धड़कता रहा कि वाहगुरु सुख सबीली घर ले आवे, खेड के आ जा, कोई सट चोट ना लग जाए। मेरा अपना बच्चा 17 साल का कबड्डी खेडनी उन्हें भी मामिया वाल देख के सीख ली, कबड्डी च आ गया, टोरोंटो खेडन गया, मोढ़ा खिडा के आ गया, रात की शिफ्ट करनी, मुड़ के माँ के घर छड्डना,
तीन साढ़े तीन महीने बाँह ते प्लास्टर लगा रहा ते एडे बच्चे नू आप नवाना आप सांभना स्कूले लेके जाना काम स्कूलों फड़ के लिया मावां दे धन जिगरे आ जिहड़ियां नौ महीने पहला कुख च रख दियां फिर जम दे दियां घोड़ियां गाउण लग पैंदियां फिर पुत्तां नू देसी घे ते दुध पला पला के पाल दियां आ मिट्टी ना मिट्टी हो के ये नौजवान कबड्डी च मल्ला मारदे आ ते लांघदे आ उहनां लोकां दे जिन्हां ने एक बारी भी नहीं सोचिया कि छोटे छोटे बच्चों का बाप जिहड़ा चंगी सोच सी कि उस माँ के दिल से गुजरती होगी कि उहदी भैण के दिल से गुजरती होगी। सवेर का मौका सी मैनू जदों वीडियो आई तो देख नहीं सी हो रही लश लश करते इन्हां वीरां दे शरीर किंज मिट्टी च गोलियां नाल लाश बना के रखता वाहगुरू की लाठी च जोर आ उच्च आवाज़ नहीं होंगी इंसाफ उन्हें जरूर देना आ जिदन उहदी चक्की चलनी आ ना उदन बहुत बरीक बरीक उसने पीना आ प्रशासन तो ना असी उम्मीद रखिए बड़े इतने सुलझिया शख्सियत आ बड़े मेरे सियाने जड़े मेरे तो सीनियर आ बड़े लंबे समय तो मेरे वीर कबड्डियाँ करवाए आए आ असी कबड्डी एक होर लैवल पर लेके जाइए अपनी नौजवान पीढ़ी जोड़िए जिन्निया भी भैं मातावान आई जी साडा भी करता कि असी अपने भरावान कबड्डी द्राउंडा च खेडते देखिए पर माहौल वह जहाँ नहीं होंगे गुस्सा ना करो माहौल भैं दे जाने वाला नहीं होंगे खुले मेलिया भी भैं जाने तो डर दियाँ मेरे घर जो गल हों बेशक मैं टीवी ना बड़े लंबे समय तो कम करती हाँ रेडियो ना करती हाँ मेरे घर कभी टीवी तो कुछ होर नहीं चलिया जो मेरे भरा बैठे होंगे कट्ठे तो कबड्डिया ही चलदिया होंदिया असी घर बैठ के अपने वीर लाइव वालों की मैं कहनी धन्यवाद इन्होंने वीर ने मीडिया राही मावां भी अपने पुत खेडते घर टैलीविजन से दिखा दिते ये भी जीवदे वास्ते रहन मावां अपने पुत्तां नूं कबड्डियां पाउंदियां देख लैंदियां पर हुण समां किहो जिहा आ गया गैंगस्टर कौन ने इहो लोग क्यों कबड्डी दे विच ड्रग आ गए ये गल्लां सोचण वालियां 2016 च मेरी एक छोटी जी इंटरव्यू की थी मैं रेडियो पंजाब दे उत्ते संदीप लंगल अंबिया निकू पंडोरी ते एक अमन लोको कमेंटेटर मुंडा ते निकू पंडोरी तुसी सारे जानते हैं कबड्डी वाले कि मुंडा मरन किनारे पिया सी दूजा जन्म होया इन्ना नशे चो धस गया सी हुण गुरु दा सिंह बन गया अमृत छक लिया पर उन्हें खुद दस्या सी कि किस तरह साडे च ड्रग आउंदी आ ये मैं नहीं कह रही तुसी यूट्यूब ते कढ के देख लियो एकता टीवी वह खुद कह के गया सी ते जिस दिन मैं पहली बार मिली सी भावें मेरे परिवार च सारे कबड्डी खेलते जो मैं पहली बार संदीप नंगल अंबिया नूं मिली स्टूडियो च निकू ने दसिया कि मंगे की वड्डी भैण आ ते मैनूं याद आ मेरे गोडियां नूं हाथ लाया कहिंदा साडे वी तुसी सत्कारयोग वड्डे भैण जी आ उही मेरी मुलाकात तकरीबन 20 मिनट की साड़ी इंटरव्यू हुई सी उन्होंने अमरीका खेडन जाना सी तां उन्होंने अपनी प्रमोशन दे लई टूरनामेंट की इनफॉर्मेशन देने लई आई सी बड़ा ही मिठ बोलड़ा बड़ा ही निघा सुभा उस नौजवान का बेशक 20 मिनट मैं उस नौजवान नूं उन्हां गलबात की पर उहदी सोच बड़ी वधिया सी आओ असी रल के ये ना करिए कि होया क्यों होया किन्ने कीता असी इहनूं रोकीए तां कि मामा ते मेरे वर्गियां भैणां ने जिन्हां ने पुत्तां वांग अपने भरावां नूं गोदी चौके खड़ाया जिन्हां ने पुत्तां वांग पाले आ वो डरन ना वो शरेआम जाण पंजाब दी धरती ते खेडण जाके नामना खट्टण हो जाके ते जिन्ने कबड्डी वाले मेरे तो छोटे वीर जिन्ने भी मेरे हैगे आ मैं कहूँगी कि बोलिया करो तुसीं ते कमेंटेटर जिन्ने भी हैगे आ इन्हां नूं उत्साह दिया करो ते जिन्ने प्रमोटर आ मेरे वीर रल के नौजवान पीढ़ी नूं नाल जोड़िए असीं जो हो रहा इनू रोकीए ये आवाज़ चुकीए जे किसी कुछ पता तो जरूर बोलो तो जेड़े दोषी आ बेशक प्रशासन मिठिया गोलियां दवे जिदा लक्की वीर ने कहा सी पर आपां इनू रोकण नहीं देना जिन्नी कु साडी पहुँच आ कोई पटीशन साइन करिए लोकल जेड़े साडे कैंडीडेट आ जिन्हां नूं असीं चुण के खड़े कीता आ उन्हां तक पहुँच करिए मीडिया तो कोई भी तुहानूं तुसीं आके अपनी आवाज़ कितने पहुँचाना चाहते हो सांझा टीवी ते कोई भी आके तुसीं गलबात करो असी रल के इस आवाज़ नूं बुलंद करिए यही साडी सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी साडे छोटे वीर संदीप नूं वाहिगुरू उहनूं अपने चरणां च निवास देवे आओ रल के अरदास करिए
कि किसी होर माँ के पुत नूं कदे तत्ती वाह ना लगे। निक्के निक्के बच्चे देख नहीं होंदे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती जरूर ये करते हैं भी आप सारे मन च बसा के रखिए भी कबड्डी बंद करना कोई हल नहीं। कबड्डी ये श्रद्धांजलि वजों आप कबड्डी के मैच जिदा पहलों कराते ट्राई करने भी इस तरह ही होंगे ता ही असली श्रद्धांजलि संदीप होगी। एक दहशत मुक्त कबड्डी, एक नशा मुक्त कबड्डी, एक रूल्स वाली कबड्डी वो कराइए। शहीद आजम भगत सिंह जी की कुरबानी साढ़े देश को आजाद कराने के वास्ते बहुत वड्डा रोल अदा कर गई, बल्कि अहम रोल अदा कर गई। जे इस महान खिडारी की कुरबानी साड़ी कबड्डी ऐन दहशत मुक्त होकर चल पी तो यह वड्डी श्रद्धांजलि होगी। आप सारे मन के बसा के रखिए। सो आप ट्राई करिए सारे मिलकर।